हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इमेज ज्योग्राफी। और आज हम जाएंगे एक शिप में, मतलब एक कश्ती में, जो हमें कहीं नहीं लेके जाएगी क्योंकि वो एक ठहरी हुई कश्ती है। उसके अंदर है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है पायरेट्स वॉयज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये व्लॉग की खास बात तो ये है गाइस कि मैं रिसेंट वहां पर विजिट करके आई हूँ, मतलब लेटेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगी। और देखने जाए तो गूगल ने तो बहुत ही ज्यादा एज ए रिव्यू तारीफें कर रखी है और गूगल ने तो इसको रेटिंग भी दिया है 4.1। जो तारीफें सुन के मैं वहां पर गई थी, जैसे कि वहां पर बार है, वहां पर कैफे है, पूरा शिप पायरेट्स के थीम पर बेस है, वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। What I felt, कि हम एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैक्सिमम लोग गेट टुगेदर करने के लिए आते हैं, बस वहाँ पर हम आ गए हैं, that's it। कि थोड़ा हम डिसअपॉइंट हो गए, बट हम ना इतने एक्साइटेड थे कि सोचा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो हम लोग एक्साइटमेंट के लिए ढूंढ ही लेंगे। सो वी वेंट अप, ऊपर जाके थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो हिसाब से हम देख के आए थे उसमें से हमें 50% नहीं 30% मिल गया था। बट डिसअपॉइंट वहाँ हो गए वापस कि कैबिन्स हमें बुक करानी पड़ती और हम तीन ही लोग थे, इसलिए हमें सिर्फ मिडल का टेबल दे दिया गया। उन्होंने बोला कि बर्थडे पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, या फिर अगर आपको किसी से प्रपोज करना हो तो आपको कैबिन बुक करानी पड़ती है, और वो स्पेशली सी साइट हो या सी तरफ का व्यू हो तो पहले से बुक कराइएगा। सो बैक टू प्रोफेशनल फोटोजेनिक प्लेस। यस, सुबह में जाओगे तो सी व्यू आपके फोटो में बहुत अच्छा आएगा। इजी टू रीच नहीं क्योंकि हम खो गए थे, एक टर्न भूल गए थे, तो मैप और किसी को पूछ के अच्छे से चले जाना। टाइप ऑफ कैफे, इट्स जस्ट अ रेस्टोरेंट, ओके, नॉट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, इट्स जस्ट अ रेस्टोरेंट। एंड काइंड ऑफ कैफे, इट्स अ फैमिली वन, हर जगह आपको गेट टुगेदर दिखाई देगा, एजेड पब्लिक दिखाई देगी। सजेस्टिंग आवर्स, अगर आपको रात में जाना है तो ठीक है, ज्यादा पब्लिक दिखेगी। लंच का आई थिंक सो कि ऊपर अगर आप बैठोगे तो आपको व्यू का मजा आएगा, पब्लिक शायद नाम। बोलना चाहूंगी कि अगर आपको सी व्यू चाहिए तो कैबिन बुक करा के जाना, स्टाफ इज गुड, ऑर्डर आपको टेबल पर मिल जाएगा, सर्विस इज गुड, मेनू में वर्सेटाइल है, लोग वर्सेटाइल है, बट मेनू में ऐसा कुछ स्पेशल इनका डिश नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि ये चीज आपको ट्राई करनी चाहिए। और हाँ, बजट फ्रेंडली है, मतलब ज्यादा पब्लिक भी गए तो इतना ज्यादा बिल नहीं होगा। क्राउड आपको मिडिल क्लास मिल जाएगा, और नोट, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।